हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिकेशन गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों है लेक्चर नंबर 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, राइट। सो जो आपका अगर बच्चों गोल है जवाहर नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का या सेंट्रल हिंदू स्कूल का अगर आपने टारगेट कर रखा है बच्चों, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस का। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड नहीं देखा है तो बच्चों वो लेक्चर पहले देखो, जिससे कि आपको सिक्वेंस समझ में आ जाएगा, राइट। और इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं पूछे जाएंगे बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय का, जो मैं आपको सीरीज करवा रहा हूँ, राइट। चार चार लेक्चर इस चैप्टर का करवा रहा हूँ, राइट। इससे क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो। ओके, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर्स बाय 9, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर्स राइट बाय 9, द क्वेश्चन इज अ 12 एंड रिमाइंडर इज 7, द नंबर। तो वो नंबर क्या होगा? तो देखो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था या आपने पढ़ भी रखा होगा। जो डिवाइडेड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट। चलिए तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। डिवाइडिंग डी आई बी आई डी ई एन डी, डिवाइडिंग इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन होता है, राइट। क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन होता है और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, समझ रहे हो बात को। बहुत इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन डिवाइडेड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अंडरस्टूड ना। लेट्स सी, अब यहीं पे देखो आप सब बोलोगे सर इसमें तो कहीं डिवाइडेंड दिया ही नहीं है। तो बच्चों इसी को नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नंबर बोलते हैं, राइट। नंबर, अब देखो कह रहा है कि नंबर, अब कह रहे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग है तो डिवाइडर को ही तो डिवाइडिंग कहेंगे। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग नंबर्स, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग हो जाएगा। और क्वेश्चन तो आपको वैसे कह ही रहा है कि हमने क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली दे रखा है, समझ लो बात को, और रिमाइंडर भी आपको दे ही रखा है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। देखो अब सारे वर्ड समझ में आ गए। देखो कुछ वर्ड की जो कहते हैं ना, जिसको साइनोनिम सामने पढ़ रखा होगा, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, वही चीज यहाँ पे है। डिवाइडेंड को नंबर भी कह सकते हैं, डिवाइडिंग को डिवाइजर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो वो आपको पता है इंग्लिश के वर्ड होते हैं, आईएनजी लगा दिया, खत्म, समझ रहे बात को। तो ये चीजें है, ओके। अब आप देखो नंबर आपको बताना है, तो देखो डिवाइडिंग नंबर कितना है, 9 है, तो 9 लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन कितने आपके पास, 12 है तो 12 लिख देंगे। रिमाइंडर कितने आपके पास, 7 है तो 7 लिख दीजिए, खत्म। अब आप 12 नंबर में 108 है ना, कितना होता है बच्चों, 12 नंबर में 108 प्लस क्या हो गया, 7। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करके मुझे बताइए क्या है। और आपको अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, राइट, कि सर हमारा ये आंसर आ गया, समझ रहे बात को। आ रहा तो आप सॉल्व भी करो साथ साथ, क्या होगा 115 आ जाएगा, क्या होगा 115, कितने का आंसर सही आया कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा आंसर ये आया है। ओके चलिए अब देख रहे थे 115, यस जो थर्ड ऑप्शन है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आपके पास, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 543 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 543 दिया हुआ है, क्या है 543 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन, यानी सबसे छोटा नंबर क्या घटाया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए जो 8 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि 453 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कब, कितने नंबर उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों उसी को तो सबट्रैक्ट करूंगा, समझ रहे बात को। चलिए तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको क्या करना है 543 को 8 से डिवाइड करके देखो, सिंपल सी बात पता चल जाएगा। चलिए करते हैं 8 से डिवाइड,
तो आठ पंच चालीस, आठ छक अड़तालीस है ना बच्चों, आठ छक अड़तालीस सिक्स आ जाए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आठ चार बंद, मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आठ छ आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सिक्स, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन चौदह में से जाएगा बच्चों आठ, तो क्या हो जाएगा आठ छह चौदह, अब यहाँ पे थ्री सर, तो देखो आठ पंच चालीस, आठ छह अड़तालीस, आठ सत्तर छप्पन, क्या हो जाएगा फिफ्टी सिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों सेवन, तो सेवन ही तो रिमाइंडर बच रहा है, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो जो सेवन रिमाइंडर बच रहा है ना, सेवन सबसे छोटा नंबर है, जो 543 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा, ओके। सो सेवन इज योर आंसर, आप चाहो तो ऐसे कर भी सकते हो, करके देख लेना है ना, सेवन इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसमें से कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों थर्टीन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा, तो ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अब इसको अगर आप एट से डिवाइड करोगे ना, एग्जैक्टली डिवाइड समझ रहे हो, तो ये सबसे छोटा नंबर क्या बना सेवन, तो 543 में सेवन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। अगर आपको आंसर पता था तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे पहले ही, राइट, कि सर मेरा ये आंसर ये आया, और आप खुद भी सॉल्व करो, राइट, और खुद सॉल्व करके फिर चेक करो कि हाँ आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को देखो फिर से प्रैक्टिस करो, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, आगे बढ़िए, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर्स 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय व्हिच नंबर सो दैट इस क्वेश्चन इज 17। अच्छा देखो अब यहां पे क्या पूछ रहा है कि द नंबर्स 4318 दे रखा है आपको, और कह रहा है क्या कि should be divided, किस नंबर से उसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, so that the quotient कितना आ जाना चाहिए 17 आ जाना चाहिए, समझ रहे हो, तो कौन सा वो नंबर है, तो जब जो नंबर हमको डिवाइड करना है तो उसको लेट कर दीजिए, लेट द डिवाइजर, राइट, लेट द डिवाइजर डी आई वी आई एस ओ आर, डिवाइजर क्या मान लिया हमने x, तो देखो डिवाइजर्स आ गया, नंबर्स आ गया, क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, जब एग्जैक्टली कोई नंबर डिवाइड हो जाता है ना बच्चों, तो जो रिमाइंडर होता है ना वो जीरो आता है, ये याद रख लेना, ओके, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, वही डी आई बी आई डी ई एन टी, डिवाइडेड इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइजर, क्या होता है बच्चों डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, राइट, चलो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता हूं, है ना, प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेंड आपको दिया हुआ है 4318 और डिवाइजर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो x और क्वेश्चन आपको 17 दे रखा है, रिमाइंडर आपको 0 दे रखा है, बस करो, अब आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। 4318 इक्वल क्या होगा बच्चों 17x हो जाएगा, क्योंकि 0 का ऐड करोगे, अब देखो इस साइड मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो अब क्या करेंगे 4318 को क्या करें 17 से डिवाइड कर दें, राइट, अब 17 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, वो आपको ऑप्शन हो जाएगा, राइट, चलिए चेक कर लेते हैं, 17 से 4318 में डिवाइड करो तो 17 दूनी 34, राइट, 2 आ जाएगा बच्चों। अब आप देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, इसमें से 3 में से 4 तो जाएगा नहीं ना, कैरी लोगे, ठीक है, तो 13 तो 9 4 13 खत्म बच्चों, अब यहां 17 91, 17 दिया 17 5 85, 17 5 से कितना हो जाएगा बच्चों 85, 85 लग जाएगा आपका, लगा देते हैं, आप देखो बच्चों 6 5 11 है ना, और ये हो जाएगा 10, आप देखो जी 17 पंचे 50, 17 का 17 दिया है कागज पर जो 68, 17 चौक 68 4 आ जाएगा बच्चों 68, देखो ये कट गया एग्जैक्टली, क्या रिजल्ट आ गया बच्चों इसका, x की वैल्यू क्या निकल के आया, जब आप इसके इसको डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आया 254, दैट इज योर आंसर, x की वैल्यू क्या आया 254 आ गया, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा मैं स्लो करवा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, करने को तो मैं टिक मारते चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ नहीं आएगा,
और आपके पास टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कि आपको आता है या नहीं आता, अपने आप को कैसे चेक कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो आप इस तरीके से इनपुट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके लेट्स सी, चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन है क्या? यस है बच्चों, 254 इज योर आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। व्हाट मस्ट बी एडेड, अच्छा कह रहे व्हाट मस्ट बी एडेड 2910 सो दैट द क्वेश्चन इज 243 ऑन डिवाइडिंग बाय 12। अच्छा देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे पाओगे तो आप टिक करके खुद भी देख लो कि सर आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर आप जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप अपने आंसर्स को हमारे सॉल्व जो हमने करेंगे उससे आप मैच करेंगे, क्लियर। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मुझे सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन या नहीं हो पा रहा है, या कहां मैं फंस रहा हूं, ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके चलिए तो देखिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2910 सो दैट द क्वेश्चन इज 243 ऑन डिवाइडिंग बाय 12। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कह रहे कि क्या नंबर इसमें ऐड किया जाए, समझ रहे हो, क्या नंबर इसमें ऐड किया जाए जो इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, रिक्वायर्ड आंसर्स करके लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, राइट। रिक्वायर्ड आंसर्स, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर लिख दो। देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 243 मल्टीप्लीकेशन इतना, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, या फिर आप चाहो तो ऐड करके देख लो। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो पता चल जाएगा, करके देख लेते हैं। चलिए अब देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2916 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2910, देखो इसमें से लेस करोगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 6 आना है ना, तो 6 वो नंबर है जो आप इसमें ऐड करेंगे ना तो उसके इक्वल हो जाएगा, समझ गए, तो 6 है ऑप्शन में क्या, यस 6 है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपका भी आंसर ये आया, अगर आ गया तो आप अपने आप को मार्क्स जजमेंट करो कि सर हमें ये आ गया तो हमें ये मार्क्स मिल जाना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा आपके जो एग्जाम में है ना, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अच्छा इसमें कह रहे कौन ऐसा नंबर है, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो 88 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्या फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। चलिए तो फोर डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो 88 से डिवाइड होने पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो सेम बच्चों आपको बताया था थर्ड क्वेश्चन उसकी के जैसे है। चलिए इसको पहले क्या कर लेंगे हम लोग, 88 को फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कितना रिमाइंडर बच जाएगा, और जितना रिमाइंडर बच जाता है वो नंबर हम इसमें से फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 88 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे 88 लग जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 ये हो जाएगा ना, फिर 88 ही लगेगा, राइट, लग गया जी, यहाँ पे आप 1 लिख देना, फिर हमने 1 से लगाया। अब देखो इससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या, देखो इसमें से 1 आ जाएगा, इसमें से लोग 8 3 11, अब ये क्या हो जाएगा 9 आ गया। अब देखो ये 9 आ गया, 88 को किससे ये करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। चलिए 3 हो जाएगा, 3 से करके देख लेते हैं, 88 को अगर आप 3 से करोगे तो क्या आएगा, देखिए 8 3 24 के 4 हाथ में दो, 8 3 24 2 26 है ना, तो 264 आ रहा है ना, तो ये बात बन सकता है क्या, 4 से देखते हैं लगा के कितना है, 8 4 कितना हो जाएगा बच्चों 12, ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएगा तो 3 से ही लगेगा, है ना, यहाँ पे लगा दो 264 लगा दो जी। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो गया, ठीक है, इसमें से 5 लोगे तो ये क्या होगा 11, 11 में से जो 6 जाएगा तो क्या होगा 6 5 11 55 बच गया, क्या बचा
55 रिमाइंडर बच गया। क्लियर, क्या हो गया 55 रिमाइंडर बच गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर था 9999, तो इसमें से क्या करो 55 को सबट्रैक्ट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 4, और ये क्या हो गया, ये रिजल्ट आ गया, तो क्या हो गया 9944 इज योर आंसर्स। अंडरस्टूड, ये उस 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 88 से क्या हो रहा है बच्चों, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हो आंसर को, तो इस तरीके से क्वेश्चन को फील लेकर के करना, आपका एकदम बच्चों परफेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपको एकदम एक्यूरेट जो 25 मार्क्स होते हैं ना, आउट ऑफ 25 मार्क्स आपके मिलेंगे। समझ रहे हो, तो ये क्या होगा, सॉरी ये तो बच्चों आपका क्या है 45 आ जाएगा। क्लियर, ईच क्वेश्चन पता है आपको 1.25 मार्क्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके वेटेज बन जाएगा। क्लियर, चलिए तो क्या ऑप्शंस होगा, दिस इज द राइट आंसर, ओके 9944 इज योर आंसर। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और कितने मार्क्स आप अरिथमेटिक से ऑब्टेन कर पा रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अच्छा अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आपको ढूंढने पड़ेंगे, कह रहे हैं इस चार ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है जो 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। वो कौन सा नंबर है जो 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, आप एक एक करके चेक कर लीजिए या अपना खुद गेस करके देखिए कि कौन सा डिजिट हो रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए बच्चों तो ये होगा सेकंड होगा, बट हाउ कैसे लेट्स सी, देख लेते हैं 11 से डिवाइड करके चेक करते हैं, है ना, क्योंकि आपने डिवीजन तो पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से। चलिए 11 से आप 1 टाइम में लगाइए, ये क्या हो जाएगा बच्चे 2, ये हो जाएगा 3 खत्म। फिर आप यहाँ पे 1 फिर 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1, राइट, ये हो गया 2। फिर आप यहाँ 11 लगाएंगे तो 1 2 1 खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, तो क्या होगा 1 2 1, तो दिस इज द राइट आंसर। ये वो नंबर है जो 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। बाकी आप इन सब में भी करोगे, ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था और आपको आंसर्स भी देने थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे बच्चे यहाँ पे, इफ 10^4 डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज एट स्टार। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर से क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है 10 स्टार और 4, यहाँ पे स्टार की जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 3 का अगर मैं डिविजिबल बताऊं तो 3 का डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, अच्छा आपको लिख लो, जितने भी नंबर है ना बच्चों सबको सम कर लेना, और सम करने के बाद अगर उसका 3 का मल्टीपल आ जाता है ना तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, चलिए देख लेते हैं 1+0 प्लस स्टार, पता नहीं कहां x ले लेना और यहां क्या हो गया 4, ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो 4 1 क्या हो गया बच्चों 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे तो ये 6 का मल्टीपल आ जाएगा, लोएस्ट नंबर, बड़ा भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि क्या है। तो देखो एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप 1, सॉरी एक्स की जगह पे आप 1 ही रखोगे ना तो ये 6 हो जाएगा, 6 का होगा मल्टीपल, एक्स की वैल्यू क्या होगा 1, तो एक्स की वैल्यू यानी स्टार की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो 1 है ऑप्शन में, यस तो दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको समझना है, ये डिविजिबिलिटीज आपको अच्छे से याद रखना है कि 3 का डिविजिबल क्या होता है, 2 का डिविजिबल क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी कंडीशंस क्या होता है। इससे क्या होता है बच्चों, आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो कैलकुलेशन आपके बहुत अच्छा और फास्ट हो जाता है, समझ रहे हो, तो इसलिए ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। क्लियर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द यूनिक डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिक डिजिट, ध्यान से समझिए ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिना लॉन्ग कैलकुलेशन किए हुए आप आंसर ले आओगे, यूनिक मतलब समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें अगर आप यूनिक डिजिट की बात करो तो ये यूनिक डिजिट है और ये यूनिक डिजिट है, राइट, तो देखो 6
और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। तो 6 इज योर आंसर। सिंपल कह रहा है यूनिक डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिक डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए क्या है, 6 है, यस, तो 6 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ इसमें कैलकुलेशन करने का भी टाइम है क्या, देखते ही आंसर ठोक दोगे, एकदम तुक्का मारोगे, देखते कैलकुलेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों जहां पे कैलकुलेशन भी नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैं आपको एक चैप्टर का चार चार लेक्चर दे रहा हूं और सारे लेक्चर में सिलेक्टेड क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन भी ले रहा हूं। और अगर आपको बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय का PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे देखना PYQ का क्वेश्चन है, वहां पे बच्चों 2022 का भी क्वेश्चन मैंने कवर किया, वहां से लेकर के 2004 तक के PYQ क्वेश्चन को मैंने कवर करवाऊंगा, जिसमें हमने 8-10 साल के क्वेश्चन को करवा रखे, 2021 का कवर है, 2020 का कवर है, 19 का कवर है, 18 का कवर है, 17 का कवर है, ये सारे हमने कर रखे, उनके भी सीरीज चल रहा है। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके आप वहां जाके देख सकते हो, वहां पे इंटायर क्वेश्चंस करवाए गए हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर समझ में आ गया, ओके। अब देखो बच्चों कह रहा था यूनिक डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, सेम वही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या है, ये तो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, लेकिन इसका पावर भी तो है, लेकिन पावर का कोई मैटर ही नहीं करता, हमें तो यूनिट डिजिट कह रहा है, क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट कह रहा है, राइट। तो सिंपल से बच्चों 7 लेंगे और क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो आंसर क्या होगा, 7। और बताओ इस सब कैलकुलेशन करने की दिक्कत है क्या, कैलकुलेशन करना है, एक सेकेंड में आंसर बन जाएगा, एक सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, बट ये माइंड सेट करना है, यूनिक डिजिट की प्रोडक्ट कहता है तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अमन मंथली सैलरी इज 25,000, अमन नाम का कोई लड़का है जिसका मंथली सैलरी 25,000 है, ही स्पेंड 2,500 ऑन क्लोथ्स एंड 400 फूड्स एंड 300 हाउस रेंट and 3,500 on education monthly is saving, तो उसने saving कितना है? तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, उनका जो उन्होंने खर्च किया ना उन सभी वैल्यू को add कर लो और फिर जितना उनकी बेसिक सैलरीज है उसमें से उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम ऐसे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2,500 उन्होंने कहाँ खर्च किया बच्चों, अपने कपड़े खरीदने में, ठीक है। 4,000 उन्होंने कहाँ खर्च किया बच्चों, फूड में। 3,000 उन्होंने कहाँ खर्च किया, हाउस रेंट में। 3,500 उन्होंने कहाँ खर्च किया बच्चों, एजुकेशन में, राइट। तो सभी मिलाकर के कितना हुआ, इसको ऐड कर दीजिए, राइट। 0 का 0 हो जाएगा, 5 का 10 के 0 हो गया, ठीक है। कैरी 1, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 9, 4, 13, मतलब टोटल जो बच्चों 13,000 उन्होंने खर्च कर दिया, 13,000 उन्होंने क्या किया, खर्च किया। और सैलरी कितनी है, 25,000, तो सेविंग कितना कर पाए, 25,000 में से 13,000 सब्ट्रैक्ट करो, है ना, 25,000 में से क्या करो, 13,000 क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना उन्होंने सेव किया, कितना उन्होंने सेव किया, सिंपल से 12,000 है। 12,000 जो है बच्चों उन्होंने क्या किया, हर एक मंथ, एवरी मंथ उन्होंने क्या किया, सेविंग किया। समझ रहे हो, ऑप्शन है क्या 12,000, यस, ये रहा बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है क्या, फील आया क्वेश्चन को कैसे करना, जितने उन्होंने खर्च किया सबको एक साथ ऐड कर लीजिए और जितनी सैलरीज है उस सैलरी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, खत्म, आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दैट इज 1, देन द डिजिट्स दैट द प्लेस ऑफ द स्टार। अच्छा देखो यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कह रहा है यहां पे, ऑलरेडी दे रखा है, कह रहा है 3 मल्टीप्लीकेशन स्टार, ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन 9 इक्वल्स टू 1, तो इस स्टार के जगह पे क्या होगा, समझ रहे हो बात, देखो कैसे घुमाया क्वेश्चन, लेकिन आपको घूमना नहीं है बच्चों, आपको ध्यान से क्वेश्चन को, इस वीडियो को देख लो, फिर उसके बाद तो घूमोगे नहीं, एकदम डेफिनेटली कर लोगे। तो देखो 3 को यहाँ पे क्या रखा जाए, आपके पास देखो ये ऑप्शन भी दे रखा है, ये 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, क्या रखोगे आप, चाहो तो इस ऑप्शन के हेल्प से भी कर सकते हो या नहीं, अगर आपके माइंड से हो तो माइंड से भी कर सकते हो,
आप यहाँ पे चेक करो, 9 को अगर रखोगे 9 बहुत ही 27 27 7 7 को करोगे तो फिर नहीं आएगा, 7 से रखो फिर भी नहीं आएगा, 3 से करोगे 3 देखो आ जाएगा, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर 9 से करो, तो 3 3 जा 9 और 9 9 जा क्या हो जाए 81, तो क्या हो जाए 81 1 आ गया यूनिट डिजिट पे, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आपको क्या लेना है 3 ले लेना इससे, राइट 3 लोगे तो आपका आंसर, 7 लोगे तो आंसर नहीं आएगा, 1 लोगे तो भी नहीं आंसर आएगा, 7 लोगे फिर भी नहीं आएगा, 9 लोगे फिर भी नहीं आएगा, 3 रखोगे तो आपका आंसर आएगा। देख लिया आपने कैसे किया। तो आप इन क्वेश्चन जब होते हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हैं ना, तो कई क्वेश्चन के बच्चों आंसर आपको ऑप्शन में ही देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन के हेल्प से भी आंसर निकाल सकते हैं, तो ये चीजों को भी ध्यान रखना है आप जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन डिवाइडिंग 55,000 of 55 by 11 the question is acha. तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, फिर आपको क्या होगा फाइव, यहाँ पे फिर फाइव लगाएंगे, एक तो लगेगा तो दो जीरो लेना, फिर आप यहाँ पे फाइव लगा दो तो क्या हो जाएगा, आप देख लो फाइव हो जाएगा, क्या होगा 5005 हो जाएगा, 5005 है यस, तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरह के बच्चों कंफ्यूज हो जाते सर, एक बार तो जीरो आ गया तो वही जीरो लेना पड़ेगा, फिर फाइव लिया फिर एक जीरो लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर फाइव आ जाएगा, फिर तो 5005। अब आप चेक करना चाहो तो ऐसे चेक भी कर सकते हो, है ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर सकते हो, देखो है ना, फिर करोगे तो क्या हो जाएगा 5005 देखो आ गया क्या, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो अपने आप का, आपका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, देखो 55,505 आ गया ना, तो आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है कि आंसर होगा कि नहीं होगा तो चेक कर लेना अगर आपके पास समय हो तब, ये नहीं कि समय है नहीं क्वेश्चन को सॉल्व किए फिर चेक किए तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना टाइम रहता है फिर आप चेक करना, क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द नंबर्स 9708 स्टार इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3 देन व्हिच नंबर कम्स इज स्टार। अच्छा यहां पे देखो वो नंबर लेना है, देखो कह रहा है जो 9 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर को स्टार की जगह, तो पहले 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो अभी बताया था 9 3 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होता है, सभी नंबर को ऐड कर दो, अगर उसका मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिवाइड होता है, 9 में भी सेम कंडीशन है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्लियर। चलिए तो 9 ले लेंगे, 7 प्लस 0 प्लस क्या होगा बच्चों 8 प्लस क्या हो जाएगा स्टार, फिर प्लस क्या हो गया 3 ऐड कीजिए, तो देखो 8 3 11 है ना, ऐसे 7 3 10 10 10 हो गया बच्चों, 10 9 19 19 19 9 27 27 हो जाएगा, 27 प्लस स्टार है ना इक्वल टू दैट क्या होगा, तो देखो अब यहां पे देखो अब ये चीज समझ आ गई, 29 क्या हो रहा है बच्चों 27 27 9 से डिवाइड हो रहा, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 से डिवाइड हो रहा, 3 से देख लो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 9 से, तो इट मींस क्या हो रहा है ये जो 27 नंबर्स है ये क्या हो रहा है 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तब इस जगह पे क्या ले सकते हो सबसे छोटा नंबर, तो अब क्या 0 ही बनेगा, 0 ऑप्शन में है यस 0 है, तो आप यहां पे 0 भी ले सकते हो, समझ रहे हो 0 भी ले सकते हो या 9 लोगे, समझ रहे हो बात, तो यहां पे क्या लेना है 0 सबसे छोटा नंबर होगा जो इस नंबर को एग्जैक्टली इस नंबर को यानी 970803 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 9 भी कर देगा और 3 भी कर देगा, जब आप 0 रखोगे वहां पे तो क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है ना, इसी तरीके से समझो बच्चों एक स्टेप बाय समझो जिससे कि बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आसानी से कर पाओगे, राइट। चलिए क्योंकि मैं इच क्वेश्चन में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट देता हूं कि बाकी अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आता है ना तो आपको इस क्वेश्चन से आसानी से कर पाओगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, देखो क्या है
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। अच्छा अब देखो इसे हमें क्या कह रहा है कि फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो 75 से डिवाइड होगा। तो सेम बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं, 88 वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, 8 वाला क्वेश्चन बताया था, सेम वही करना है। फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लो, ठीक है, 9999 को क्या करो 75 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर 4000 के लार्जेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए 75 ले लेते हैं, तो 75 इसमें से लेस करते क्या हो जाएगा बच्चों, 5, 4, 9, ठीक है, ये क्या हो गया 9 में से 7 जाएगा तो क्या हो गया, तो अब ये हो जाएगा 9। अब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या हो गया, 3 से लगाएंगे, 3 से अगर आप लगाते हैं 75 को, यहाँ पे हमने 1 लगाया तो 3 ले लेते हैं, देखो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, 225 हो जाएगा, तो 225 लगा दीजिए, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को, फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 9, फिर वही लगेगा 225, फिर 225, फिर क्या होगा बच्चों 9, ये क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया 4 आ जाएगा, फिर ये क्या होगा मतलब 24 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 24 जो है ये आपके रिमाइंडर आ जा रहा है, 24 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे 9999 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, चलिए करके दिखाते हैं आपको, 9999 आई होप आपको इस तरह क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप कैसा भी नंबर दे दे तो आप आसानी से डिवाइड करके पता कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर्स क्या होता है कंप्लीट होता है यहीं पे। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहेगा आपको, इस वीडियो से जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं बच्चों उन तक जरूर पहुंचाओ, जिससे कि वो बच्चे भी एकदम एक्साइटेड होकर के इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नवोदय विद्यालय के एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते। ओके, लास्ट में ही कहूंगा कि पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।